मज़मून ज़बानदानी। बच्चों, आज के इस PPT में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, और वो टॉपिक है, वो उनवान है जुमले की किस्में। तो चलिए देखते हैं कि हम जुमला क्या होता है, उसके हिस्से क्या होते हैं, उसकी किस्में क्या होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। तो बच्चों, अल्फाज का वो मजमूआ जिससे, मतलब जिसमें अल्फाज इस तरतीब से आए कि बात पूरी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। यानी अल्फाज, हम अल्फाज से जुमला बनाते हैं, लेकिन उसकी तरतीब भी सही होनी चाहिए। अगर अल्फाज की तरतीब आगे पीछे होगी तो हमें जुमले का मतलब समझ में नहीं आएगा कि जुमले में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो उस अल्फाज की तरतीब सही होनी चाहिए ताकि हमारी बात जो है वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए, फिर उसे हम क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि जुमले के हिस्से। तो प्यारे बच्चों, जुमले के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है मुब्तदा और दूसरा होता है खबर। तो मुब्तदा किसे कहते हैं, तो जिस जुमले में जिसके बारे में बात हो उसे मुब्तदा कहते हैं। यानी हम जिस इस्म के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो होता है जिसको मुद्दा लेकर जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको कहते हैं मुब्तदा। और दूसरा हिस्सा क्या होता है, खबर। तो जुमले में मुब्तदा के बारे में जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, खबर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको अगली स्लाइड में मैं आपको मिसाल की तरह के ज़रिए ये समझाती हूँ। ठीक है, जैसे जिस जुमले में एक मुब्तदा और एक खबर हो उसे सादा जुमला कहता है। यानी हम यहाँ पे क्या, कौन सी स्लाइड पर आए हैं, सादा जुमले की। तो जैसे अभी मैं आपको समझाती हूँ, अहमद खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, अहमद के बारे में। तो अहमद क्या हो गया, मुब्तदा हो गया। ठीक है, और ये जुमले का पहला हिस्सा है। अब अहमद के बारे में क्या बात हो रही है, वो खेल रहा है। तो अहमद के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, तो खेल रहा क्या हो गया, खबर हो गया। और इस तरह से जुमले का दूसरा हिस्सा भी हो गया। तो अहमद एक मुब्तदा है, खेल रहा है, एक खबर है। तो चूंकि इस जुमले में एक मुब्तदा है, एक खबर है, इसलिए ये सादा जुमला कहलाता है। उसके बाद है बयानिया जुमला। तो ऐसा जुमला जिसमें किसी वाक्य की खबर मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं, बयानिया जुमला कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आपने हफ्तम जमात में जो है वो बहुत सारे सबक नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, हज़रत उस्मान गनी। उसमें ये हिस्सा जो है बहुत ही जुमले की किस्में के बारे में ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जैसे कहत पड़ा हुआ था, जो मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था, वो सफाई पसंद थे, ऐसे बहुत सारे जो बयानात होते हैं जिसमें हमें कोई वाकई की खबर मिलती है। फ़ौज ने जो है वो अचानक हमला कर दिया, तो ये एक हमें वाकई की खबर मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बयानिया जुमला कहेंगे। अब बयानिया जुमले की भी दो किस्में होती हैं। एक होता है मस्बत जुमला और दूसरा होता है मनफी जुमला। मस्बत जुमला क्या होता है, जब किसी जुमले में काम होने या करने की खबर मिलती है तो उसे मस्बत जुमला कहते हैं। मस्बत का मतलब होता है प्लस, हाँ, है ना। तो उसमें ऐसा जुमला जिसमें हमें काम के होने की खबर मिल रही है या किसी के करने की खबर मिल रही है, उसके हम कहते हैं मस्बत जुमला। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी है, कहत पड़ा था, ठीक है, तो ये क्या, कौन सा जुमला हो गया, मस्बत जुमला। दूसरा है मनफी जुमला, ऐसा जुमला जिसमें काम के ना होने की खबर हो उसे मनफी जुमला कहते हैं। जैसे कहत नहीं पढ़ाता, यानी ऐसा जुमला जिसमें काम के ना होने की या नहीं होने की हमें मालूमात मिलती है, खबर मिलती है, उसे मनफी जुमला कहते हैं। इस्तेफामिया जुमला। प्यारे बच्चों, इस्तेफामिया जुमला को आसान जुमले में अल्फाज में हम, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सवालिया जुमला। ठीक है, तो जिस जुमले में कोई बात पूछी जाती है या किसी इस्म के बारे में सवाल किया जाता है, ऐसे जुमले को इस्तेफामिया जुमला कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें दो चीज़ें सामने आपके आ रही है कि या तो कोई बात पूछी जाए
या फिर किसी इस्म के बारे में आप कोई मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सवालात पूछ रहे हो, तो उसे इस्तेफामिया, ऐसे जुमलों को इस्तेफामिया जुमला कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, इस्तेफामिया जुमला की एक और पहचान ये है बच्चों के सवाल के आखिर में जुमले के इख्तिताम पर सवालिया निशान लगा होता है। जैसे आपका नाम क्या है, यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया, इसके बाद सवालिया निशान लगा हुआ है, तो ये इस्तेफामिया जुमला हो गया। अब इस्तेफामिया जुमले की भी दो किस्में होती हैं। कौन सी है वो दो किस्में हम देखते हैं। नंबर एक है इस्तेफामिया इनकारी और दूसरा है इस्तेफामिया इकरारी। इस्तेफामिया इनकारी जुमला किसे कहते हैं। ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना या नहीं का इस्तेमाल न किया गया हो। देखो गौर से सुनिए कि ऐसा सवालिया जुमला, पहली बात तो वो जुमला सवालिया होना चाहिए, दूसरा ये कि उसमें ना और नहीं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर उसका जो जवाब है वो मनफी में दिया जाए, तो उसे इस्तेफामिया इनकारी जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल ली है मैंने, क्या मेहनत किए बगैर कोई कामयाब हो सकता है। देखो पहली बात तो ये इस्तेफामिया जुमला है क्योंकि इसके आखिर में सवालिया निशान आया है, दूसरा ये कि इसमें ना या नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और तीसरा ये पहचाने कि इसका जो जवाब हासिल होता है वो नहीं में हासिल होता है। जैसे अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि मेहनत की भी के बगैर कोई कामयाब हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये इस्तेफामिया इनकारी जुमला हुआ। उसके बाद है इस्तेफामिया इकरारी जुमला। तो ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना या नहीं का इस्तेमाल किया गया हो मगर उसका जवाब मुस्बत जुमले में दिया जाए, उसे इस्तेफामिया इकरारी जुमला कहते हैं। जैसे तरक्की कौन नहीं करना चाहता। अब ये इस्तेफामिया जुमला है, इसकी पहचान ये है कि इसके सवालिया निशान लगा हुआ है आखिर में, दूसरा ये इकरारी इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है, और इसका तीसरा पहचान ये है कि इसका जवाब जो है वो हाँ में आता है। तरक्की कौन नहीं करना चाहता, हाँ सभी तरक्की करना चाहते हैं, ये जवाब यही जवाब होगा ना आपका, तो इस तरह से ये इस्तेफामिया इकरारी जुमला है। उसके बाद है अमरिया जुमला। तो ऐसा जुमले जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है, उसे अमरिया जुमला कहते हैं। जिसे जिसमें हुक्म हो, गुजारिश हो, ऐसे जुमलों को अमरिया जुमला कहते हो। जैसे बुज़ुर्गों का एहतराम करो, यहाँ पर एक हुक्म दिया जा रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना करने का भी हुक्म दिया जा सकता है, जो जैसे वहाँ मत जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे काम ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ये जुमला, ऐसे जुमले जो है वो अमरिया जुमले कहलाते हैं। उसके बाद है फिजाया जुमला। तो ऐसे जुमला जिसमें किसी जज्बे जैसे रंज, खुशी, हैरत वगैरह का इजहार किया गया हो, उसे फिजाया जुमला कहते हैं। जैसे अरे वाह तुम कब आए, अरे नहीं ओफो, अरे रे, इस तरह के जो फिजाई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बाद ये जो निशान आप अरे वाह के बाद आप निशान देख रहे हैं, उस तरह का एक्सक्लेमेटरी निशान भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये लगाया जाता है, और ऐसे जुमलों को फिजाया जुमला कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जुमले की अकसाम की, जुमले की किस्में की ये PPT आपको पसंद आएगी, और जुमले की और मज़ीद अकसाम के साथ मैं नेक्स्ट PPT में आपके साथ के सामने हाज़िर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।